जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी ले लिया है स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट तो हो जाइए सावधान, क्योंकि मार्केट में एक कंसल्टेंट आ चुका है तो पुराना कंसल्टेंट, मगर वो आ चुका है और ये बोल रहा है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट वास्तुशास्त्र में अच्छे नहीं होते। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं प्लॉट के बारे में। क्या आपने भी ले लिया है स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट? जी हाँ दोस्तों, आपने भी अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट ले लिया है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि मार्केट में एक नया फ्रॉड सामने आया है, एक नया स्कैम सामने आ रहा है जो अभी नया नया स्टार्ट हुआ है एक दो दिन से। दोस्तों वो इतना कम अकल कंसल्टेंट है कि वो ये बात बोलता है कि कभी भी वास्तुशास्त्र में स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट अच्छे नहीं होते। देखिए दोस्तों, अब एक ऐसा नया वास्तु किसी ने शुरू कर दिया अपना जिसमें कि ये बात बोल रहा है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट वास्तुशास्त्र में अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो परफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो एज पर वास्तु परफेक्ट होते हैं प्लॉट, इसलिए वो अच्छे नहीं होते, इसीलिए हम उनको प्रेफर नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, ऐसे कंसल्टेंट से बच के रहे दोस्तों। वास्तुशास्त्र जो वेद सारे बने हुए हैं वो उन वेदों को इतना बर्बाद कर रहा है, कंसल्टेंट इतना बर्बाद कर रहा है, और इससे पहले भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्कैम और फ्रॉड चले हैं वास्तुशास्त्र में। चक्रा को लेके फ्रॉड चलाया है किसी ने, फिर किसी ने बार चार्ट को लेके आ गया कोई, फिर दूसरा एक और चक्रा लेके आ गया, इस तरीके से अलग अलग तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद अपने चार चार दिन के उसने लोगों ने कोर्स कराने शुरू कर दिए कि ये आचार्य बन गया, ये चार दिन का कोर्स करो ले बन गया आचार्य। वो बेसिकली दोस्तों अपने नीचे एजेंट्स बना रहे हैं। अब इसका बेस, क्योंकि जो वास्तु उन लोगों ने शुरू कर दिया, ये जो चक्रा ले आए और ये दुनिया भर की चीजें अजीब अजीब ले आए हैं, अब इन्होंने अपना चक्रा तो इन्वेंट कर दिया। अब ये हुआ क्या कि ये हो गए परेशान, क्योंकि वेदों में तो कहीं चक्रा है ही नहीं, वेदों में तो इसका कहीं जिक्र है ही नहीं चक्रा का। अब ये चक्रा को अपने कैसे सही प्रूव करें पब्लिक के आगे? दोस्तों इतनी नींद हराम हो रखी है इन वास्तु कंसल्टेंट्स की कि ये कुछ भी करते हैं, ये कुछ भी करने को तैयार है अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। अब उन कंसल्टेंट्स ने बोलना ये शुरू कर दिया है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट वास्तुशास्त्र में बेकार होते हैं। दोस्तों वेदों का नाश कर दिया है इन लोगों ने। और आप भी अगर ऐसे कंसल्टेंट्स के चक्कर में पड़ गए हैं जो आपके नक्शे के ऊपर रख देता है चक्रा, या गोल कंपास लगा रहा है, कुछ भी अगर राउंड लगा रहा है, तो दोस्तों सतर्क हो जाइए, वो आपके प्लॉट को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो कंसल्टेंट है ही नहीं, वो तो एजेंट है दोस्तों। आप एजेंट के चक्कर में पड़ गए दोस्तों, जैसे पहले प्रॉपर्टी डीलर होते थे ना, वो एजेंट उनका काम होता था, उनका काम ही होता था कि कमीशन पे काम करना। आजकल दोस्तों वास्तु कंसल्टेंट ऐसे हो गए हैं, एक अपना गुरु बैठ के बन गया, उसने अपने नीचे खूब सारे चेले बना लिए, अब वो चेले और आगे चेले बना रहे हैं। दोस्तों ये पूरी एक साइकिल चल रही है इनकी, कि एक अपना नई चीज इन्होंने कुछ इन्वेंट कर ली, और इन्वेंट भी नहीं करी दोस्तों, ये फेंग शुई और वास्तु मिला के कुछ अलग ही रायता फैला दिया इन लोगों ने। अब वो रायता समेटे कैसे, क्योंकि वो इतना फैल चुका है, वापसी ले नहीं सकते, क्योंकि दुनिया कर चुकी है, दुनिया में गा चुके हैं इतना ज्यादा अपने उस धोखे को। अब वो क्या कह रहे हैं कि वास्तुशास्त्र जो वेद सारे लिखे गए हैं, जो वेदों में बताया गया है, मतलब अगर वेदों वेद कोई भी उठा के आप देखेंगे ना दोस्तों, वास्तु की कोई भी बुक उठा लीजिए, मैं वेद की बात नहीं करता,
कोई भी नॉर्मल बुक, एक 20 रुपए की वास्तु की कोई बुक मिलती है ना रेलवे स्टेशन पे, आप वो भी उठा के देख लेना, या कोई भी बड़े से बड़ा वास्तु का ग्रंथ उठा के देख लेना, सब में बताया जाता है कि वास्तु में स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट सबसे अच्छे होते हैं। और वो महाराज कंसल्टेंट कह रहे हैं कि आपने अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट ले लिया है, हम उनको अच्छा नहीं मानते, मैं उनको कभी भी प्रेफर नहीं करता। वो कंसल्टेंट ये बात बोल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे धोखेबाज कंसल्टेंटों से, ऐसे कम अकल कंसल्टेंटों से, और ऐसी जो जोकरों वाली हरकतें करते हैं, ऐसे कंसल्टेंटों से बच के रहे दोस्तों। ऐसे कंसल्टेंटों के अगर आप चक्कर में पड़ गए तो समझ लीजिए आपका कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का तो प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हैं, क्योंकि वो जो चक्रा आपके नक्शे के ऊपर लगा रहे हैं, पहले वो आपके स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट पे, जो कि परफेक्ट वास्तु से सबसे अच्छा माना जाता है स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट, पहले उसके ऊपर वो अपना फ्रॉड चक्रा लगाएंगे, जो भी उन्होंने घटिया ये एक टेक्नोलॉजी या जो भी कुछ ईजाद कर रखा, जो भी रायता फैला रखा है, बेसिकली इसको इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, इसको रायता फैलाना बोलेंगे। तो वो जो रायता उन्होंने फैला रखा है वो आपके नक्शे के ऊपर फैलाएंगे चक्रा नामक, और उस चक्रा नामक रायते से एक और चीज निकलेगी, वो है बार चार्ट। फिर वो आपके घर का बनाएंगे बार चार्ट, परफेक्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट को वो आपको 80% एंटी वास्तु बताएंगे, प्लॉट को ही बता देंगे, बाकी तो बाद में, घर तो बना लोगे तो पता नहीं 5-7 लाख रुपए की रेमेडी आपको करनी पड़ेगी, तो वो पहले आपके प्लॉट को ही नेगेटिव बता देंगे, उसके बाद आपको देंगे वो रेमेडीज कि अब ये रेमेडीज करो, यहाँ पे वर्चुअल एंट्री खोल लो, यहाँ पे ये कर लो, क्योंकि उनका वास्तु जो बना रहे हैं, जिसको वो वास्तु का नाम दे रहे हैं, वो वास्तु है ही नहीं दोस्तों। वास्तु के नाम पे महा फ्रॉड चल रहा है आजकल, और ऐसे फ्रॉड से आपको बच के रहना है दोस्तों। जो भी बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, जो भी बहुत अच्छे, जिनको लॉजिक पता है वास्तु के, या जो लॉजिक जानना चाहते हैं, वो कभी भी ऐसे कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं आते। मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं सारे ऐसे ही आते हैं कि सर वो फलाना एक आदमी फंस गया था उसके चक्कर में, मगर मैं नहीं फंसा। मैंने उससे 4 सवाल पूछे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पास एक भी लॉजिक नहीं था। इवन आप उस चक्रा वाले से पूछ लेना कि ये चक्रा है कौन से वेद में। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे चक्रा वाले फ्रॉड कंसल्टेंट को पकड़ना चाहते हैं तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछ लेना कि ये वेद का नाम बता दो, कौन से वेद में है। दोस्तों, जवाब नहीं दे पाएगा वो अपने गुरु का नाम लेगा कि उसने सिखाया है और उनका ईजाद किया हुआ। दोस्तों, ईजाद नहीं किया हुआ, ये रायता फैलाना बोलते हैं इसको बोलते अपनी कह के बाद फंस गया ना, तो वो वापस ले पा रहा ना, वो बंद कर पा रहा इस बात को ना, वो इसका क्लेरिफिकेशन दे पा रहा कि उसने बनाया क्या चीज है। तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉडों से बच के रहे, ऐसे चक्रा के चक्कर में, और ऐसे ये जो लोग बोलते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट खराब है, दोस्तों इनसे तो सबसे ज्यादा सावधान रहे। ये सबसे बड़े फ्रॉड है, ये फ्रॉडों के बाप है, महा फ्रॉड है ये लोग। ऐसे महाफ्रॉडियों से बच के रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।